हे शिखंडी, बाहर निकल तू, चल इधर। अब वो दो टन तो भिंडी खाया। ए, चल इधर, तेरे को फार्म जाने, जल्दी निकल बाहर। भिंडी खाने तो इधर आ बेटा, तेरे को भिंडी खाना दिखाती हूँ मैं। बाहर आ तू, बाहर आ। आओ आओ, एक भिंडी खान देना। बाहर आ तू। क्या भिंडी तू खा रहा है? मैं तेरे को मालूम है ना, सब्जी भाजी बनाने के लिए भिंडी लगाती हूँ सारे घर में सब्जी। ओए भाई, मैं भिंडी खाऊंगा क्योंकि मेरा नाम शिखंडी है। सकीना की माँ कहा करती थी, कच्ची भिंडी खाने से एनर्जी आती है, इसलिए मैं भिंडी खाता हूँ। सिकंडी, सिकंडी की माँ, सकीना की माँ, ये कौन है? ओए वो मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ, लेकिन कच्ची भिंडी खाने से एनर्जी आती है, बता दे रहा हूँ भाई। सुटाई लोग बाजी मत कर, तू जाना वहाँ, जा तू फॉर्म जा बाबा। मैं फारम उरम नहीं जाता, मैं तांडव करके दिखाऊंगा तेरे को। शिखंडी, तूने मेरा जीना हराम कर दिया। अरे जीना तो मेरा हराम हो गया। वो भाई जी फार्म में जाता हूँ, वहाँ पे वो भाई जी का गोबर आना, हाँ। उसका पुच्छी मारती है मेरे को। जो जो तेरे बाबूजी और मैं इतना काम करते, वो बिचारा झोड़पा दिन भर काम करता रहता है, और तू, तेरे को तो नाक को पैदा हो गया। तो मैं राजकुमार होना हुआ, मैं काय के लिए काम करूंगा? राजकुमार दूंगी, राजकुमार का बच्चा। अभी तेरे बाबूजी आएंगे तो बताएंगे किसका राजकुमार का बच्चा है। तो पता है तेरे को कहां गए हैं? कोर्ट वोट के काम से गए, बड़ा दिमाग खराब है उनका। पहनने वाला कोट और बैल, तेरे को पढ़ाई ना रे मैंने, तीसरी चौथी पढ़ाई ना तेरे को मैंने। मैं अब खट्टी भिंडी खाऊंगा, बाड़ी बनाऊंगा सनी देओल के जैसे। ओए मैं बाड़ी बनाऊंगा, ओटी बनाऊंगा, तू जाना। तू मेरे को काहे करने नहीं देती? तो तेरे बाबूजी मेरा जीना हराम कर देंगे। मुझसे कहते हैं तेरा बेटा ऐसा, तेरा बेटा वैसा, तेरे को अच्छा लगता है वो? मैं नहीं जाता, जाऊंगा। भगवान, ये कैसा लड़का हो गया? जा रहा हूँ, टेंशन मत ले, अब यहाँ गिर पड़ जाएगी, टेंशन मत ले, मैं जा रहा हूँ। तो क्यों मेरे को परेशानी करता है तू? मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ रहो, मेरे को जान दे, बाय टाटा गुड नाइट। जा जल्दी जा, और फॉर्म ही जाना, इधर उधर मत लुक के बैठना तू। अभी जाके भिंडी खाऊंगा वो। बाबा, मेरे बाबा जग जाओ, बाबा टेम्पो बाबा जग जाओ, मेरे पेट का बड़ा ही बड़ा बड़ा हो रही, बाबा जग जाओ बाबा, जग गए बाबा। एक घंटा से रास्ता देख रहा हूँ बाबा। बाबा तुझे श्राप देखा बालक? नहीं बाबा, श्राप नहीं बाबा। तूने टेंपा बाबा को क्रोध कर दिया रे। Oh, no. तूने टेंपा बाबा की तपस्या भंग कर दी। नहीं बाबा, अब तुझे टेंपा बाबा श्राप देगा। बाबा माफ कर दो बाबा। लो बाबा दुनी। शांत हो गए बाबा। तेरी क्या समस्या है बालक? बाबा बहुत ही दिक्कत जा रही बाबा, का बताऊं बाबा? बोल बालक, तू बोल रे। अरे बाबा, मेरे सेठ जी जब से चुनाव लड़न की बात करे ना बाबा, हाँ। जब से बहुत पुलिस मारे, उनके बहुत पीछे पड़ गए बाबा। हाँ हाँ। और बाबा उनकी जो भैंसी है ना, उनको दूध भी बार बार पड़ रहा बाबा, बड़ा नुकसान हो रहा बाबा। और बहुत ही बराबर अब मैं चल रहा है बाबा, सेठ जी मेरे कछुआ इलाज बताओ। तेरी सब इच्छा पूरी होगी बालक। तेरी पूरी इच्छा पूर्ति कर देगा टेंपा देव। सुन बालक, टेंपा देव की इच्छा सुन बालक, क्या इच्छा पूर्ति करना है रे बालक? टेंपा देव को बालक पांच उल्टे पर वाली मूर्ति चाहिए रे बालक। उल्टे पर भारी कोसी की होती? हाँ, जो उल्टी उड़ती हो रे बालक, उल्टी उड़ती हो रे बालक, पांच उल्टी पैर वाली मुर्गी, पर वाली, और 500 रुपए के नोट चाहिए रे। तुम्हारे गांव में बालक एक टेंपा नाम का व्यक्ति है जिसका बहुत बुद्धिमान है वो। तभी तो और टेंपा नाम का। चुप, शांत हो जा। अभी इधर देव, अभी तेरी पूरी भविष्यवाणी कर रहा है टेंपा देव। अभी टेंपा देव की सुन रहे बालक, तू उसको तेरे सेठ को बोलना बालक हर दिन 100 रुपए दे, सुबह सुबह जाके और उसको खाना में बुलाए, एक बार उसको पूरे 50 पकवान बनवाए और उसको खिलाए बालक। टेंपा देव खुश होगा। टेंपा तुम्हारे नाम का व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है, उसको खिलाओ बालक तो टेंपा देव खुश होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद, जाओ तुम्हारा भला होगा। और आरती कर ले, जाओ बालक, टेंपा देव खुश होगा।
मुर्गी 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 उल्टे पर वाली कैसे गिरा है पहले बता, जब तो ना दू तेरे ऊपर बहुत मतलब अक्सर आ गई तेरे सेब के ऊपर। नहीं मैं गुस्सा मत हूँ, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ गाँव वाले हैं सब रे, कैसा लगा टैन पादे का मजाक है? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा तो कमेंट करो, और ज्यादा ही अच्छा लगा तो लाइक भी करो, पर सब्सक्राइब जरूर करना और घंटा को बजा दो, जिससे टेन पर देव खुश हो जाएगा, अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बाप ने बाप, जो खाना है चाहे मेरा पैसा भी नहीं करवाएगा यार। इसको क्या है भैया, जिसके पहला तो मालूम है। अबे तू चाय कॉफी बड़ा आया, चाय पीऊंगा चाय पीऊंगा। ओए मां, अरे मेरी चाय पियोगे तुमको भगवान माफ नहीं करने का, सुनो हां मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। आओ साहब आओ, अरे भैया चाय 5 रुपए की चाय समझ में आती तुमको क्या मालूम, आओ चलो पिलाओ चाय भाई पिलाओ। अरे तू शांत रहो भैया। चलो सर जी, तुम्हें क्या बोला था उतारना है इसको? अरे अरे यार भैया, ओ लल्ली साहब बैठो साहब बैठो बैठो आप बैठो। अरे तू कहाँ बैठे, आपने मारा साले बार्टन इनको फेस्टिवल, ओ लल्ली फेस्टिवल चाय देना इनको है। अरे काम लूट कर देना भैया, पानी डाल देना पानी को साहब, डे पूरा पानी का पछड़ा बेच इनको। चल खाओ साहब, आ रही आ रही आ रही, चलो बैठ तू बैठ यार। साहब सुनो तो, कुछ खाने को बोला क्या? खाने को नहीं साहब, अरे इनके घर में कछु नहीं है, यहाँ पे दुकान में ना यार भैया नहीं, अरे यार है नहीं है क्या है? सेठ बड़े कंजूस हो, केस रफा दफा करना है ना तुम्हें, खिलाना पिलाना पड़ेगा। अरे राव तुमने मेरे को निपटा दिया, मेरे को रफा दफा क्या करवाओगे तुम, मैं तो गया। दे भैया 3-4 देना भैया, खटने दे यार 3-4 एक पैक तेरी। छोड़ो बनवारी सेठ, काम की बात करो, मेरी बात सुनो। हाँ। ये बताओ, मेरी भैंस नहीं मारी आपने, केस मेरे को बना दिए। हाँ। मैंने जमानत ले लिया, इसको लेकर तुम क्यों घूम रहे फिर? बनवारी सेठ देखो, इलाज का खर्चा देना पड़ेगा। क्या खर्चा? अरे 5,000 रुपए और क्या। अरे नहीं साहब, तुम देखो मेरे को गरीब आदमी, मेरे को ऐसा परेशान मत करो आप। बनवारी सेठ देखो, मेरे पास बोला 1 एकड़ जमीन में, मेरे पास सब धान में बीमारी लग गई, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं बनवारी सेठ, कानून से उलझने की कोशिश मत करो। अरे यार मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, डराते हो तुम साहब, मैं डर जाता हूँ ऐसे। पहले चाय चाय तो मंगवाओ ना यार। अरे भैया ललित चाय दे यार, चाय दे दादा। बाकी बार्टन तो किसी काम का नहीं मेरे। अरे इसको साथ में क्यों रखा हुआ है, मुझे समझाओ पहले। अरे तो इसी की तो गाड़ी से आया, मेरे पास गाड़ी भी नहीं, मैं मेरी गाड़ी से आया सर, मैं गरीब आदमी हूँ। इसको चुप रहने के लिए बोलो पहले। मैं चुप ही रहता ही बेचारा, कम बोलता है। बनवारी सेठ बात यह है ना कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा उसे। ये बताओ मेरे को कितना खर्चा आएगा उसको? देखो तुम्हें जो मैंने बोला ना, 200 रुपये डेली काय के, वो मजदूरी पर नहीं जा रहा है वो, तो मैं करूँ उसके लिए? तो तुम्हारी भैंस ने मारा है ना उसे? अरे एक काम करो, तुम मेरी भैंस को अंदर कर दो। बनवारी सेठ भैंस अंदर नहीं होगी, तुम्हारी भैंस को अंदर कर दो। मैं तो चाय भी नहीं पीता बाप, मेरे 5 रुपये बच जाएंगे, मेरे जिंदगी में काम आएंगे मेरे। अरे यार भैया चाय पी लेने, नहीं पीटा भैया 5 रुपये बच जाएंगे मेरे को, काम आएगा। अरे बचाओ तुम्हारे पैसे, लेकिन तुम्हारे पैसे उसको दोगे तुम? मैं देता हूं साहब, मेरी भैंस को अंदर कर दो। चाय पीना, तू तेरी चाय आ गई, तू तो पी और पल भर तू। चाय नहीं आधी, कहां आधी यार, बड़े कंजूस हो बनवारी सेठ तुम। आधी गिलास तो भैया 10 रुपए की चाय है और क्या चाहिए, 5 की नहीं है 10 की दी है मैंने उसको, तो बोला बस बाकी वाली बना के कहा मैंने। बनवारी सेठ कॉफी पीते हैं, सुनो घर में पियो भैया, हमारे घर नहीं है। बनवारी सेठ बात सुनो मेरी, अब अपने को केस रफा दफा करना है। कैसे होगा? तुम उसको पैसा दोगे? मैं रिटर्न है साहब, मेरे को तुम मार डालो, मैं काट डालो, मैं रिटर्न साहब, मैं अलग आदमी हूँ। देखो बात ये ना भाई, रंडा में चमका, मैं बुढ़ा आदमी भैया, सुन मेरी बात। हाँ सुनो सुनो, अपना केस रफा दफा करना है या ऐसे ही? मैं दुनिया की चीज कर लो, 1 रुपए डेटा नहीं, मेरे को अंडर करना है कर दो, मेरी भैंस को अंडर करना है कर दो, बस इतनी सी बात है। बस एक काम करो, कुछ पैसा देके जाओ, मैं उसको दे दूंगा। मेरे पास 1 रुपये नहीं साहब, मैं उधारी करूंगा चाय के भी। यहाँ तो बनवारी सेठ तुम्हारा केस लंबा चलेगा। हाँ अब वही है, चुपचाप रहेंगे साहब, यार तुम मारोगे मरेंगे हम, जो करना है करो, अब हम क्या कह रहे हैं, क्यों बात है हमारे पास।
पैसा नहीं दोगे तुम? नहीं मैं भाई नहीं, एक रुपया नहीं मेरे पास। वही मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए इसका। कुछ मत करो, मेरे को छोड़ दो, तुम हो गया मेरे पीछे मत रहो, तुम बर्बाद हो जाओ साहब। मैं अलग टाइप का आदमी हूँ जी, मैं क्या बताऊँगा। चलो तुम, हम चलो चलते हैं अभी, तुम्हारा तो हम देखेंगे। अरे चाय तो पियो साहब, मैंने पैसे दिया हूँ मैंने। अब चाय वाय तो तुम पियो, अब तुम्हारा हम आगे देखते हैं। लेकर चलो साहब। अरे भैया चाय चाय के दादा, मैंने पैसे दिया हूँ। नहीं अब तुम लेकर चलो साहब। तो साहब मैं ठीक है, आप गुस्सा हो, मैं टाइप ला देखने बाहर। नहीं देख, हम देखने वाले हैं तुम्हें अब। अरे साहब मेरी बात सुनो पहले। अरे साहब मेरी, अरे अरे यार बाटन चला हो यार, सुने लफड़ा है यार। अरे 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 साहब साहब मेरी, अरे वाह वाह साहब 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 मेरी मेरी देखो बनवारी से। अरे मेरी मेरी बात मेरी, तुम मेरे को तो लेके चलो। अरे तेरी है साहब। अरे नीचे उतर, मेरी बात सुनो, बनवारी से मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात सुनो पहले। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पैसे देने से, मैं कह रहा हूँ कि इसको नहीं लगी साहब, मेरी भैंस ने कांड करी, मैंने कछु नहीं करा मैंने साहब। मैंने बनवारी सेठ, तुम पैसा दोगे या नहीं दोगे? कितने देना पड़ेगा? पाँच हजार। अरे साहब 5000 में तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ बाबा, मेरे पास थोड़े से पैसे, एक काम करो 100 रुपये रख लो मेरे पास। 100 रुपये को 100 का भाई। देखो बनवारी सेठ, पूरे 5000 लूंगा। बनवारी सेठ 5000 रुपये काय के साहब, समझ में? देखो चलो, अरे मेरी बात, कितना है तुम्हारे पास? मेरे पास अभी 500 रुपये बस, 500 रुपये बस, 500 रुपये ठीक है, 500 रुपये दो। एक दो तीन चार, अरे पांच बार साहब मेरे पास 200। अरे 200 रुपये बस रहने भैया, 200 रुपये साहब अब देता हूँ। अभी तो पैसे नहीं थे ना चाय के। अरे भैया मैंने उधारी कर लिया था ना, मैंने, मेरी बात सुनो, मैं कर लूंगा। अब बेसुन टेको देख लूंगा, बेटा टेको देख लूंगा मैं। अब बनवारी सेठ धमकी नहीं दोगे कानून के सामने? माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अब जाओ तुम। जी साहब चलो, बात ठीक है, ठीक है। अरे भगवान माफ नहीं करने का साहब, तुमको सुने? अबे इसको भगाना। अरे साहब साहब, तुमको भगवान माफ नहीं करने का साहब। बनवारी सेठ धमकी दे रहे हो तुम? नहीं साहब मेरी बात सुनो, बनवारी सेठ नहीं नहीं, मतलब इसको इसको आपको नहीं कहा मैंने, आपको नहीं कहा, इसको कहा मैंने। सुन रहे देखो, ऐसी भगवान माफ कर तोड़ी। बनवारी हाँ बेटा हाँ, कुछ नहीं किया मैं 60 में। चलो तू यार, देखो देखो दिमाग खराब। चलो इसको फेंको, क्या नहीं हो कैसे यार, बता मैं काटता हूँ अभी। गाड़ी को 2 लाख मारूंगा, फेंक हो जाएगी अभी। डंडा दो मेरे पास, पकड़। यहाँ तुम्हें बता दो, तुम्हारा मेरे भैंस मालूम के आस पास दिखने। बनवारी सेठ देखो, बार बार धमकी दे रहे हो तुम। अरे साहब अब तो हमारी जिंदगी गई साहब, क्या बता दो। अब जाओ तुम, अरे भैया तुम मेरे को जाओ जाओ। एक बार चुनाव जीतने में, चुनाव जीता मैं सबको अंडर कर दूंगा, चुनाव जीतूंगा सबको अंडर कर दूंगा मैं। हाँ निकलो निकलो। ओह नो, अब तुम तू निकल, मैं तुझे मैं तुझे कल कल निकल दूंगा। तू जा जल्दी जा। अरे देख रही सिकंडी, फल आने लगा इसमें तो, देखिए गिलकी लग गई है। देख अब ना तेरे बाबू को ना बाजार से सब्जी भाजी नहीं लाना पड़े। देखना मेरे के कंतो दे, कैसा हो गया भाई? ये क्या कर रहा है तू? टाइम मत कर रहा तेरे पापा, मैं खेल रहा हूं तो तेरे को कुछ भी करता रहता है, जो मैं बोल रही वो नहीं देख रहा है तू। ये सेठानी जी, सारे फूल आने लग गए बेल। सेठानी जी क्या हो गया तेरे? अब ना सब्जी में कम मिर्ची डालना। क्या होगा? बड़ी मिर्ची लग रही है। हमारे गांव की सेठानी भी ऐसे मिर्ची डालती, न पड़ गई एक ही मेरे में। ये तो बाद पे, हमारे गांव की सेठानी आनी है न वो, तू कुछ भी। हाँ अभी कम डालूंगी कल से, जा रख क्या हाथ वाथ धो क्या भाई। मैंने सुना ये बाबू कोई लफड़ा में फंस गया कहीं के। हाँ रे तेरे मामला फंस गया कहीं, तेरे बाबू बड़े टेंशन में आजकल। बाप रे बाप, फुंडो। हाँ बन्नू। अरे फुंडो। हाँ मैं इधर ही हूँ। अरे बाप, मेरे साथ लूटा हो गया, मेरे साथ लफड़ा हो गया। अरे मेरे साथ दिक्कत हो गई। क्या हुआ बन्नू? सुने मैं क्या, एक ठुकने में पानी का मटा तेरी ऐसी तेरे तू साढ़ टू भाई, मेरे साथ लफड़ा हो गया। क्या हुआ? मेरे आज 1800 रुपये गए, 1800 रुपये खर्च हो गए मेरे आज। काहे को? अरे जमात लेके आ रहा हूँ मैं। 1800 मतलब क्या चाहिए? 1800 का बाणा मैं सब कर दूंगा मैं बना सांसद।
मेरी बात सुन तू बे, मेरे लिए तू डॉक्टर बुला के ला, मेरा बीपी बढ़ रहा है और मेरे को दिक्कत हो रही है। अरे यार उठना भी नहीं हुआ मेरे को यार। अरे इतनी भी ज्यादा नहीं है मेरे को तकलीफ, मेरे को रात में तकलीफ हो सकती है। सिकंदी तू जा। मेरे से उसने आज 5,000 रुपए लेने की बात करा है। वो राणा ने? हाँ। अरे एक काम कर, डॉक्टर के पास जा, उसको कहना कि मेरे बाबू का हल्का सा दिमाग आए बाएं हो रहा है और बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो जब बुला के ला। चल 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 सिकंदी। डॉक्टर को कहूंगा मेरा बाबू निपटने वाला जल्दी, चल तो तेरी है, तेरा लड़का सही नहीं, मेरी बात सुन तू। हाँ अरे वो पाए पाए होता है। चल पानी पी ले, पानी पी, पानी पी, आराम करो जाके। हाँ चल रही सिकंदी, बाबू के लिए डॉक्टर को बुला के लाना पड़ेगा, हो बीपी की बीमारी हो गई है। भाइयों बहनों, मेरे बाबू को बीपी की बीमारी हो चुकी है। भाइयों बहनों, अच्छा है बाबू, अच्छा है। सिकंदी के लिए कच्ची भिंडी नहीं लाएगा तो तेरे को और बीमारी होगी, अच्छा है। मतलब और कर कंजूसी ले, पैसा भर कहाँ भरेगा, तो अच्छा है। जाता हूँ डॉक्टर को बुलाने, अच्छा है, अच्छा है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आपको बताइए पहले हमारा वाला वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, और बाकी बात है टाइम पास छोड़ पाएंगे। क्या कहना चाहोगे तुम लोग? हम कुछ नहीं कहे, मैं सेठ जी। हाँ। अगर हमने सब्सक्राइब कर दे ना, हाँ हाँ, तो बड़ा अच्छा रहे। तुम टाइम पास देव देव आ रहा मेरे को, मैं क्रोध हो जाऊंगा। सबसे पहली बात, मेरा देव अच्छा लगे तो लाइक करो, वो अच्छा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और हम सबकी कॉमेडी भी अगर अच्छी लगे तो कमेंट करो, शेयर करो। टेंपा देव खुश होंगे। तथास्तु। बनवारी की कॉमेडी को करना है ना? बनवारी की कॉमेडी को करना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पे आप अभी देख रहे हैं फिलहाल में आप लोग। तो चलिए, हम लोग की जो वीडियो है आपको हर 2 दिन मिल जाती है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपको हम 2 दिन मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद।